हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का नई वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास पल्सर N160 है, BS6 वर्जन। तो दोस्तों इसमें परेशानी क्या रखी है एक बार मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग बिल्कुल बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं है स्टार्टिंग में, और चेक लाइट भी नहीं चल रही इसकी है। ठीक है, और यानी कि कम स्पीड पर ठीक चल रही है, और जैसे थ्रोटल कुछ ज़्यादा दोगे मतलब बंद पड़ जा रही है, और बिल्कुल मतलब इस तरह का महसूस हो रहा है जैसे कि पानी वानी का असर हो टंकी में। तो ये दिक्कत हो रखी है इसमें। चलिए दोस्तों देखते हैं। और जैसे कम स्पीड पर रखेंगे तो बिल्कुल ठीक चलेगी। तो दोस्तों ये हमारी बाइक में प्रॉब्लम है, और इसमें सोल्यूशन देखते हैं क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें से पेट्रोल निकालने का प्रोसेस चालू हो गया है, तो अब इसमें से पेट्रोल निकाल के इसमें से देखा जाएगा कितना पानी है इसमें, कितना नहीं है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हम जो है इसका फ्यूल पंप जो है बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकाल के जितना भी इसमें पेट्रोल होगा सब बाहर निकाल लेंगे, और उसमें देखेंगे कितना पानी है कितना नहीं है। और इधर हम कर लेते हैं इसका, दोस्तों हमने इसका फ्यूल मोटर जो बाहर निकाल लिया है। दोस्तों बाइक N160 है, और टंकी भी N160 की है, और जो फ्यूल पंप जो है ना ये बिल्कुल सेम ऐसा लग रहा है जैसे अच्छे में आता है ना, सेम उसी की तरह पेट्रोल फिल्टर जो होता है ये भी वही है, और बाकी जो क्या कहते हैं कि 99% वही लग रहा है मुझे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों कमेंट करके बताना कि ये वही है क्या। दोस्तों जो पहला पेट्रोल था वो तो टंकी पट करके निकाल लिया था हमने, अब जो इसमें बाकी पेट्रोल है गया वो फ्यूल गेज निकाल के हम यहाँ को निकाल लेंगे, ताकि ये पूरा जो अच्छे से निकल जाए पेट्रोल। दोस्तों हमने इसकी पूरी बाइक पे पेट्रोल चेक कर लिया, पेट्रोल में कहीं भी पानी का असर नहीं है इसमें। तो अब जो हमने इसकी जो पेट्रोल डाली है ये वाली पेट्रोल डाली है, तो दोस्तों इसको हमने चेंज कर दी, ये इसकी पुरानी वाली है। ठीक है दोस्तों, तो जाली पे डाउट है क्योंकि जाली में क्लियर हवा नहीं जा रही इसमें, और अब ये नहीं मंगा डाली है। ठीक है दोस्तों, तो जाली लगा के फिटिंग करके और फिर देखते हैं। तो दोस्तों इसमें टंकी फिटिंग कर लेते हैं, और टंकी फिटिंग करके कुछ चेक करते हैं इसको। दोस्तों टंकी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब एक बार इग्निशन ऑन करके एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं इसको। दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल ठीक चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमारी बाइक कंप्लीट हो चुकी है, तो दोस्तों रिजल्ट ही आया निकल गया इसका, जो मैंने कहा था शुरू में कि इसमें पानी का असर लग रहा है मुझे टंकी में, तो पानी तो उसमें निकला नहीं है। दोस्तों तो इसकी जो फ्यूल पंप की जो जाली होती है ना, वो जाली ब्लॉक थी इसकी, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी कि ज़्यादा एक्सीलेटर देने के बाद गाड़ी दब रही थी, और चलाने पर तो बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों कभी भी आपके पास ऐसी कोई दिक्कत आए तो एक बार पेट्रोल पंप की जाली है उसको चेक कर लो। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।